क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट मैं यहां नोट करता हूं और इसको सॉल्व करते हैं। दे रखा है 1/3 -2 डिवाइडेड बाई 1/2 -3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 1/4 -2। देखिए बेटा मैंने आपको पहले ही भी बता दिया और फिर बता रहा हूँ कि जब भी बेटा आपका पावर क्या आ जाए माइनस में आ जाए तो एक्सपोनेंट को रेसिप्रोकल कर दीजिए ताकि पावर जो है प्लस में चली जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देंगे और डिवाइडेड बाई इसको भी उल्टा करेंगे तो 4/2 हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ बीच में डिवाइड है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 3 3 9 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4/2। इसको हम लिखेंगे बेटा तो 9/8 और देखो बेटा डिवाइडेड बाई इसको मैं लिखूंगा 16। तो 9/8 जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं बेटा तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो हो जाएगा 9/128। ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पोर्शन पे, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्या है हमारा। इसमें दे रखा बेटा 1/3 -1 1/3 -1 -1/4 -1 -1 बेटा फिर वही बात, इनका क्या कर देंगे हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 3/1 हो जाएगा ये, -4/1 हो जाएगा और बेटा इसके ऊपर -1 है। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा अंदर तो 3/1 का मतलब 3 -4/-1। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो -1 आंसर आ जाएगा, -1। अब -1 का रेसिप्रोकल बेटा -1 ही होगा, इसका आंसर यही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला बेटा इवैल्यूएट, यानी इसको सॉल्व कर दीजिए। यानी 8 में हमें दे रखा है 27/-1 -4/3/3 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/3 लिख सकता हूँ ना। तो इसको मैं लिख दूंगा 3/3 और उसके ऊपर -1 और इंटू 4 को क्या लिख दूंगा बेटा 2/2 और इन सब के पावर कितना बेटा 3 और डिवाइडेड बाई 3/-3। इसको जब करूंगा बेटा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 3/-3 मल्टीप्लाई 2/6 अपॉन 3/-3। देखिए बेटा नीचे सेम है कट जाएंगे, 2/6 इसकी जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 64, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 करोगे तो आ जाएगा 64। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इसमें कुल 4 पार्ट दे रखा है, एक एक पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 का फर्स्ट पार्ट में लिखता हूं बेटा 3/2 -2। मैंने बताया बेटा कि जब इनका रेसिप्रोकल करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, ये पावर प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 और पावर हो जाएगा प्लस का 2। अब इसको हम पता है कि ये पावर इस पर भी आ जाएगा और ये पावर इस पर भी आ जाएगा। तो हो जाएगा 2/2 3/2 = 2 × 4/9। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे। इसका सेकेंड पार्ट क्या है बेटा, सेकेंड पार्ट में दे रखा है 5/7 -7 × 7/5 -5। बेटा देखिए मैंने फिर कहा था कि पावर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में हो जाती है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में हो जाती है अगर हम एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हम इसको लिख देंगे 7/5 × 7/5 अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा -5। यहाँ देखिए बेटा एक्सपोनेंट सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि
मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो 7 अपॉन 5 के पावर 7 माइनस 5, 7 अपॉन 5 के पावर 2, इसका मतलब 7 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल 7 7 49 अपॉन 2 25 आंसर है बेटा ये सेकंड का। अब आप लोग नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप लोग इसको नोट करिए, मैं इसको रफ करता हूँ, ये सेकंड पोर्शन का सलूशन है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है कि 5 के पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 के पावर माइनस 1। बेटा मैंने बताया था कि इनका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, जब पावर सेम है मैंने बताया था तो अंदर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 जा 5 इंटू 2 के पावर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 6, इसको कर दीजिए, इसको लिखेंगे बेटा 10 के पावर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 6, बेटा इसको भी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 6, ये 1 अपॉन 60 हो जाएगा बेटा इसका आंसर। चलिए बेटा लास्ट इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। लिखा है बेटा 3 के पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 5 इंटू 1 टू 5 डिवाइडेड बाई 5 के पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 6 के पावर माइनस 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो देखिए 3 के पावर माइनस 5 10 के पावर माइनस 5, देखिए बेटा यहाँ पावर सेम है तो ये अंदर वाली डिजिट क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 30 के पावर माइनस 5 और मल्टीप्लाई 125 को बेटा लिख सकता हूँ 5 के पावर 3, क्यों, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है बेटा, ये हो जाएगा 5 के पावर 7 इंटू 6 के पावर माइनस 5। देखिए बेटा अब हमारे पास यहाँ पर भी पावर 5 है, यहाँ पर भी, देखिए बेटा नीचे पावर माइनस में ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए बेटा ये जब ऊपर जाएगा तो 7 3 में प्लस हो जाएगा तो 5 के पावर 10 हो जाएंगे, और देखिए बेटा इस 30 को मैं लिख सकता हूँ क्या 6 के पावर माइनस 5 इंटू 5 के पावर माइनस 5, देखिए 5 6 जा 30 पावर सेम और नीचे 6 के पावर माइनस 5, इससे ये कट गया, इसका आंसर बेटा ये आ गया। अब जरा देखिए 5 के पावर 10 और 5 के पावर माइनस 5 अब बीच में है मल्टीप्लाई, तो हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा जब सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 5 के पावर 10 माइनस 5 इज इक्वल 5 के पावर 5, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5 के पावर 5 का होता है बेटा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा 3125, ये इसका आंसर दे देता। इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है, आप लोग इसके सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा कॉपी में और मुझे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है बेटा।